ये लड़ाई सीरियस या मजाक में है? हंस रहे हैं, ये तो रो गया, कुछ नहीं पता आजकल क्या हो रहा है। ये लद्दे बक्की में तेरी, अरे भाई डिलीवरी वाले भाई हट जाओ। ये मारने के बाद भी ऐसे क्यों रो रहा है जैसे पिट रहा हो? ये देखना, ये देखो, ओ ओ ओ ओ तेरी यार, मेरी यहाँ के बाढ़ आ गई ना, इन्हें तो एमएमए फाइट कर दी। इसकी शक्ल कैसे कर रही है? ऊ कर रहा है। कोई नहीं, चलो इतना बहुत है लड़ाई, इतनी लड़ाई बहुत है यार। ज्यादा दिखाऊंगा तो वीडियो बैन कर देंगे यूट्यूब वाले। ये चप्पल कहाँ डाल लाए? क्या बात है। हेलो गाइस, माय नेम इज अमन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सारे जने ठीक हो गए, तुम्हारा भाई भी एकदम बढ़िया है। और लड़ाई देख के बाढ़ को की मौज आ गई सुबह सुबह भाई, खतरनाक लड़ाई होगी भाई। बक्की बक्की में दे दिया एक दूसरे की। तो भाई जी नहा के सेट हैं, जा रहे हैं स्कूल के लिए। आज 11:30 बजे छुट्टी हो जाएगी क्योंकि ना बच्चों के पेपर वेपर स्टार्ट हो गए। चलो जी कोई बात नहीं। और आज ना मेरे को एक काम है, गाड़ी का ना इंडिकेटर नहीं चल रहा, शीशा वाला काम करवाना है। क्यों करवाना है वो भी बताऊंगा, क्योंकि भाई मैंने ना लर्निंग लाइसेंस है, मतलब मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है प्रॉपर, जिसे पता होगा। तो लर्निंग कटवाई थी मैंने, जिसकी मैंने अपॉइंटमेंट ली थी। तो कल संडे की अपॉइंटमेंट है, तो कल हमें जाना है टेस्ट देने। और वहाँ पर गाड़ी के चारों इंडिकेटर चलनी चाहिए, शीशे होने चाहिए गाड़ी में। बाइक भी लेके जाऊँगा क्योंकि बाइक और गाड़ी का दोनों का एक साथ टेस्ट होगा ना। सुबह 8:30 बजे की अपॉइंटमेंट है सराय काले खाम है, तो थोड़ी जल्दी चले जाऊंगा मैं। फिलहाल एक बार मैं गाड़ी मोड़ दूँ। हाँ तो भाई आगे रोड पे अपना आना, और कल चलेंगे बाइक भी लेके गाड़ी लेके। और कोई बाइक का जुगाड़ करना पड़ेगा जिसमें शीशे हों, चारों इंडिकेटर हों, क्योंकि हमारे पास बाइक तो है लेकिन उसमें ना शीशे नहीं है। मनीष ने नई बाइक ली थी शायद, उसके पास उसके शीशे रखे होंगे बाइक वाले, तो उसी की बाइक ले चलेंगे। और किसी बंदे को लेके जाना पड़ेगा जो बाइक लेके चले, क्योंकि मैं जाऊंगा गाड़ी से। तो देखते हैं पहले किसका टेस्ट होगा, बाइक का होगा या गाड़ी का होगा। और यार पास हो जाऊँ तो सही है यार, कलेश ही खत्म हो जाएगा लाइसेंस का भी ना। मैंने पिछली बार भी लर्निंग कटवाई थी, बट 6 महीने की होती है, 6 महीने तक वैलिड होती है वो। मैं टेस्ट ही, मतलब मैंने अपॉइंटमेंट ही नहीं कटवाई 6 महीने में। 500 रुपये लगते हैं भाई एक अपॉइंटमेंट के, मैंने अपॉइंटमेंट ही नहीं कटवाई, वो क्या नाम है उसकी वैलिडिटी खत्म होगी। तो मैंने दोबारा लर्निंग कटवाई, फिर मैंने अब जाके 3 महीने बाद, वो भी 3-4 महीने हो गए उसको भी कटवाए हुए। मैं कटवाने के बाद भूल गया था कि लर्निंग मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रखा है, मैं भूल गया। अब जाके मैंने अपॉइंटमेंट ली थी, तो कल की अपॉइंटमेंट है, देखते हैं भाई पास हो जाए तो सही है, कल इसी खत्म हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था भाई लाइसेंस इसलिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब कि चलान वलान की वजह से तो खैर होनी है, बट भाई भगवान न करे आपकी गलती से या किसी और की गलती से एक्सीडेंट हो जाता है सामने वाले की गलती से ही, तो भाई लाइसेंस बहुत ज़रूरी है उस सीन में, बहुत ज़रूरी है भाई। क्योंकि अगर आपसे किसी का एक्सीडेंट होता है या आपकी गाड़ी से कोई आके लग गया और कंप्लेंट होती है ना कुछ भी, तो सबसे पहले लाइसेंस मांगा जाएगा, सबसे पहले लाइसेंस। और आप बोल दोगे कि जी नहीं मेरे पास तो लाइसेंस नहीं है, वहाँ दिक्कत बढ़ सकती है ना। तो चलान वलान तो क्या है, चलान तो यार ठीक है, लाइसेंस का नहीं होता, किसी और चीज़ का हो जाता है। चलान वलान इतना वो नहीं है, बट एक्सीडेंट केस में ऐसे किसी के साथ ना हो भाई, भगवान करे किसी के साथ ना हो, किसी का एक्सीडेंट ना हो, ना किसी की गाड़ी से हो, बट ज़रूरी है भाई चलान भी ज़रूरी है कि भाई आपको चलान वलान नहीं कटे तो ही सही है, बट चलान से इम्पोर्टेंट है वो ना, एक्सीडेंट वाले सीन में लाइसेंस होना। तो अपना एक बार हम स्कूल से फ्री हो जाएं, उसके बाद ये गाड़ी का इंडिकेटर नहीं चल रहा भाई, ये कोई लेके जाऊंगा क्योंकि ये मेरे हाथ पर मस्त बैठी पड़ी है एकदम, रॉकेट बना दूंगा, जहाँ बोलेगा वहीं चढ़ा दूंगा। बलेनो ले जाता लेकिन मैं उसका ना बोनेट मतलब दिखता नहीं है, और इतनी मेरे को वो नहीं है एक्सपीरियंस नहीं है उस गाड़ी का, बट इस गाड़ी का तगड़ा एक्सपीरियंस है। तो चलते हैं एक बार अपना फ्री हो जाते हैं, फिर इसका काम करवाएंगे। तो गाइस फाइनली भाई हम फ्री हो चुके हैं अपने काम से, और अब जा रहे हैं घर के लिए। और एक सीन में थोड़ा सा चेंज है, मतलब मैंने आपको बताया ना वो गाड़ी की लाइट वाइट चेक करवानी है, इंडिकेटर नहीं चल रहे साइड के, तो वो सब चीज़ तो मैं चेक करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, भैया से फ़ोन करके पूछूंगा ये वाला काम कौन करता है, लाइटिंग वाइटिंग का, इलेक्ट्रॉनिक का काम। और सीन ये है भाई कि बुआ के का फ़ोन आया था जब मैं स्कूल कर रहा था, कह रहा था कहाँ पर है, मैंने बोला स्कूल कर रहा हूँ, तो कह रहा कि कैफे चल रहे हैं, मैं और शोर रहे जा रहे हैं, तो कैफे में मिल जाऊँ, हमें थोड़ा काम है साउथ ईस्ट तो वहीं से निकल जाएंगे। मैंने चल ठीक है, तो पहुँच जब तक मैं भी आ जाऊँगा, काफ़ी टाइम से कैफे भी नहीं गए, तो कैफे भी घूम आएंगे, पहले गाड़ी का काम करवाएंगे, घर चल के कुछ खाएंगे, उसके बाद चलेंगे मेट्रो से कैफे के लिए। और अंशुल से किसी से पूछ लूँगा कोई चलेगा तो, है ना। बत्ती हो गई यार, मैंने ध्यान नहीं दिया,
कोई पूछ लूंगा चलेगा तो, नहीं तो अकेले जाऊंगा, बाकी वो दो आए तीन हो जाएंगे। फिलहाल चल के गाड़ी का काम करवा लेता हूँ पहले ना, पूछ लो यार कहाँ होता है, मेरे को ये भी नहीं पता कि मतलब कौन करता है लाइटिंग वाइटिंग पता था। फिर चल के कुछ खाएंगे, देखते हैं क्या बनाया खाने में, नहीं तो कहीं बाहर से ही खा लेंगे क्योंकि हम पे पैसा नहीं है। ठीक है जी, जय बाबा जी। तो जी हो तो गया अपनी गाड़ी का काम, इंडिकेटर जल गए, सारा काम हो गया, बाकी कभी कोई दिक्कत दिक्कत होगी तो दोबारा करवा लेंगे। फिलहाल जा रहे हैं घर, मुंह धो के हाथ धो के कुछ खाएंगे, उसके बाद लिख लेंगे क्या, पहले बुआ के पास फ़ोन करूँगा या गया ही ना हो, क्या पता या वो आने ही वाले हों, है ना, तो खाली वाली में जाऊँ। तो चलते हैं घर, पहले कुछ खाते हैं, उसके बाद फ़ोन करता हूँ बुआ के को, वो फिर चलेंगे अगर वो बोल देगा तो कैफे, नहीं तो फिर 4:30 बजे जिम चल लेंगे अगर वो मना करेगा तो। तो भाई हमने खाना भी खा लिया है भाई, लाइट बंद कर दो भाई। तो भाई अब तुम्हारा भाई जा रहा है कैफे, कुणाल भी जस्ट अभी गया है, मेरी बात हुई उससे, एक बार अपने जेवरा पहन लूँ, वो भी अभी जस्ट गया है, कह रहा तू आ जा, तो अब मेरे को ना कोई बंदा ढूंढना पड़ेगा जो मेरे को मेट्रो तक छोड़ के आ जाए, है ना। और बाकी मैंने अपने एयरफोन ले लिया भाई, मैं व्लॉग एडिट करूँगा मेट्रो में, क्योंकि दुर्गा भाई देशमुख थोड़ा दूर पड़ जाता है स्टेशन, है ना, जो उधर उधर बैठते हैं और कोई देखते हैं बंदा जो हमको छोड़ के आ जाए मेट्रो तक। मेरी बाइक तो है नहीं, किसी को मैं ही ले जाता, बाइक घर पर खड़ी कर देता। बंदा किसी को सॉरी बोल रहा, और आज तक हमें सॉरी नहीं बोली भाई से ने, आज तक हमें सॉरी बोली तूने? यार तू समझ नहीं रहा, मैंने आज तक हमें सॉरी बोली तूने? बता सॉरी भाई। भाई कोई नया दोस्त बन गया इसका पलातपुर का, उसके साथ जा रहे हैं भाई। भाई मेट्रो जा रहे हैं, अभी अंशुल छोड़ने जा रहा है, मैं उमंग की स्कूटी लिया भाई उधारी पे, हमने उमंग की थोड़ी सी ऐसी शक्ल सी बन गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था मैंने स्कूटी मांगी दो। कोई नहीं भाई, अब हो रहा बाबा स्मार्ट है जरा भाई, तो कटिंग वटिंग भी जहर हो गई भाई, बहुत बंदों ने मेरी ने कटिंग की तारीफ कर दी भाई कसम से, भाई कटिंग जहर लग रही है, और तेरे पे तो तेरे लिए बनी है ऐसा लग रही है कटिंग, अंदर देख सकते हो इसकी और मेरी शक्ल में, और कुछ कट नहीं होगा भाई। टिकट ही मेट्रो तो आ गया भाई, टिकट ले लिया जा रहे हैं, लाजपत नगर से चेंज करनी पड़ेगी, मैं लीड ले आया अपने साथ, यहीं बैठे बैठे ब्लॉग एडिट करूँगा मेट्रो में। तो गाइस आ गए हैं भाई दुर्गा भाई देशमुख, ये वाला दाना तो कुछ ज़्यादा ही होता है, चल रहे हैं वो दोनों कैफे पहुँचे पड़े हैं, बुआ का और शोर रहा, ये अपना एग्जिट जा ही रहे हैं बस। पिछली बार यहाँ पर एक शॉप थी, क्या नाम है उसका, बर्गर किंग की कॉपी थी, हुई वो हट गई, अब यहाँ पर HPMC करके कोई हो गई है। चलो कोई नहीं, चलते हैं कैफे में मिलवाते हैं और करते हैं मस्ती। भाई आ तो गया मैं, अब वो बुआ का फ़ोन नहीं उठा रहा था, मुझे पता नहीं है वो कौन से वाले कैफे में बैठा है, क्योंकि इधर काफ़ी सारे ऑप्शन है, देखो देखता हूँ फ़ोन तो उठाएंगा, उसी कैफे में जाता हूँ जिसमें हम जाते हैं हमेशा, वहीं होगा शायद। तो जी शोक मस्ती ऐसी भी मत करो कि जेब में किराए के पैसा ना बचे। भाई सारे सीन ना जिंदगी में हमारी कलेस लिखे, इतना तगड़ा सीन हुआ ना, इतना तगड़ा बताएंगे अभी लोग, यार लोग में पर मैंने ना चल ठीक है मारने में कंसंट्रेट करता है तू तो भाई बंदे यार बेफालतू के अंदर सब मैंने मेरे से अपने खुल सर फटावा है मेरे से, आके जा रहा है इधर भाई सारी सीन बताएंगे, फिलहाल यहाँ से चल रहे हैं अभी घर के लिए हमें तो यार कौन कहते हैं ना मेट्रो वालों को RPF तो रेलवे पुलिस फोर्स कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, सुन पर खड़े रहते हैं पुलिस वाले मेट्रो पे, उनने एंट्री बंद कर दी, फिर यहाँ से मत जाओ, फिर आपकी लड़ाई है आप यहाँ से मत जाओ, तो मैं सहता बंदा यहीं कहीं घूम रहा होगा अभी, अब ना मिले नहीं यार सही बता रहा हूँ, इस बार तो बहुत मारूंगा, बहुत पिटे हुए इस बार। चलो भाई एक बार ना अपना निकड़े करके, और जब बताएंगे सीन घर पहुँच की क्या मेट्रो हुआ है, साढ़ा जिंदगी में ही कलेश लिखा है, किसी ने सनी बैठा पड़ा ऐसे कोई ऐसे करके, और शनिवार है क्या? यस शनिवार है, माँ कसम मेरी जिंदगी में कोई हो रहा है बुआ के, मेरा भी तो यही हाल है बाबे, वो शनिवार का वाला सीन हुआ था।
अरे अंकल जी हमने नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा है। वो कह रहा है बार बार मेरा दारू पिया है। हाँ हाँ दारू पिया है। आप जब करेंगे उनके नीचे एंट्री करना अंकल ने खुद बोल दिया ना अभी वहीं पे सीन हुआ है, बहुत सीन हुआ है। अरे ऊपर रहने दे, अब सीन देख लूंगा मैं, अब रहने दे, सनी से तो सनी बारी सही। अब यार जब गलती नहीं है फिर आ तू चल यार। कभी कभार बैठ के सोचो तो चीजें समझ आती है कि जिंदगी में किसी ने ना मतलब टोटका सा कर रखा है ऐसा लगता है। तीन मतलब शनिवार 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 सीन होने के बाद पता चला कि आज शनिवार है, वालों को पता चलेगा घर वाले बोलेंगे तेरा बाहर जाने वाला है, शनिवार निकलना ही बंदा भाई अपना। हाँ मेरे को भी ऐसे लग रहा है, मेरे को भी ऐसे लग रहा है शनिवार। मैं भी सोच रहा हूँ यार क्योंकि ये चीज़ें ना चलो ठीक है जो भी हो, हमें पता हमारी गलती नहीं है ना, बट घर वाले परेशान होते हैं यार बच्चों के लिए, घर वाले परेशान होते हैं। क्यों बोलोगे हैं? मैं कह रहा हूँ घर वाले तो परेशान होते हैं बच्चों के लिए। भूख है ना, भूख के चक्कर में इसे पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ही इज इग्नोरिंग मी। मैं कह रहा हूँ कि घर वाले तो परेशान होती है बच्चों के लिए, हमें पता हमारी गलती नहीं थी मारा चलो, लेकिन घर वालों को बताएंगे, घर वाले बोलने से दो बार सुन लेते आ जाते, घर वालों को बताएंगे तो ये बोल रहे भाई वो दो बार सुना रहे तो उसको भाई पत्थर लेके बैठा है। मैं वही तो कह रहा हूँ घर वालों को बोलेंगे ना तो घर वाले बोलेंगे दो बार सुन लेते चुप आ जाते, बट हमारी कोई उसमें गलती नहीं थी। बट ये है कि वो ना अगर बैठा भी होगा ना मैं आप किससे नहीं बोल रहा होगा, मैं ब्लॉग शूट नहीं करा इसलिए क्योंकि फिर लड़ाई छुड़ानी भी तो है। मेरे पे कैसे आ गया यार वो भाई, देख रहा भाई मजदूरी का आता है जिम में मजदूरी करता है, जान ना पहचान शोरना को पकड़ लिया, कह रहा कि तू तेरा सर फोड़ूंगा, तूने मेरा सर फोड़ा है। अब मेरे छोटे भाई को बोलेगा कुछ, मेरे को भाई वो अकेला समझ रहा था, ये दोनों दूर थे पीछे ब्लॉगिंग कर रहे थे, ये दोनों दूर थे कितनी देर। बोल आपने वाली क्लिप देखी हो ना जो मैंने फोन अचानक यूं करके बंद कर दिया था, हां यूं बोला ओए रुक इधर आ ऐसे करके बोला, आपने देखना ध्यान से सुनने वाली क्लिप जब हम मेट्रो के लिए कैफे से लेके लेते हैं। बट चलो कोई नहीं, फिलहाल अभी पेप्सी पी रहे हैं, गला सूख रहा था है ना, उसके बाद घर चलते हैं। और जिम में जाना, जिम जाएगा तू? क्या हो गया तो मैं भी चलूँगा, मैं थोड़ा शरीर बनाऊँगा ताकि ऐसे कोई रोके ना मेरे को। तू मत बना तेरे लिए हमें, वैसे भी कोई नहीं रोकेगा, वैसे भी कोई नहीं रोकेगा। वाह वो नहीं है जाट साहब क्या नाम है घर पे, चलिए प्रोटेक्शन ले आओ भाइयों के लिए, जाट साहब यही यही प्रोटेक्शन है जी हमारी तो, हाँ यही प्रोटेक्शन है भाई हमारी तो। ठीक है एक बार अपना निपटाते हैं यहाँ से और चलते हैं। भाई हमने अपना पर्सनल ई रिक्शा कर दिया, ई रिक्शा भाई तो जा रहे हैं घर के लिए। भाई सीट बेल्ट लगा लो आगे पुलिस वाले खड़े रहते हैं फिर मत बोलना। मैं हेलमेट लगा लूं? हेलमेट लगा लो भाई, सीट बेल्ट लगा लो हमने। भाई देखो भाई नहीं ओए दो बंदे अलाउड होते हैं, तीसरा कहां से ओवर सीटिंग का चालान होगा? अरे यहां तो कोई चालान नहीं होगा भाई हमारा, हम अपना बचा लेंगे, ऑनलाइन चालान करवा देना, प्रोटेक्शन भी लगा लेते। हां भाई प्रोटेक्शन मतलब बेल्ट लगा लो, सीट बेल्ट लगा लो, लगी पड़ी है भाई तो लगी पड़ी है, फटी पड़ी है तो जी देखो बदरपुर, ये बदरपुर अभी किसी का बदर और पूरा लग करके आ गए दोस्तों ना मेरे जैसे ठस्से बाजो पता क्या, वो मैं घर पर आया, अब मैं जा ही रहा था मतलब लोअर पहन लिया था मैंने, जिम पार्टनर नीचे खड़ा था, इसका बोला था कह रहा कि मूवी देखने चल रहे हैं, मैंने मूवी है मैंने बोला अभी कैफे से आया हूं, पैसे वैसे भी नहीं और मेरे को जिम जाना है, कह रहा कि टिकट हो गया मूवी देखने चल रहे हैं, मैंने टिकट हो गई तू इतना बोला साले ने कहीं की टिकट कहीं हमें चेप रहा है, 8:30 का शो है 8:20 नीले जा रहा चल रहा हूँ ना भाई, अब भाई 8:30 का शो है, कोई सीन तो नहीं होगा वहाँ पे, लेट हो गए तो पर लेट वेट कुछ नहीं है, चल रहे हैं भाई अब चलो अंधेरा हो गया, देखो इधर वाले 125 तेरा ना मेरा 125 है, तेरा ना मेरा 125 चलो भाई मॉल मिलेंगे मॉल में। इतनी सारी मूवी देखी है लेकिन भाई कभी किसी मूवी पे टाइम पे नहीं पहुंचे, और इस पे तो टाइम पे पहुंचे ही नहीं है, इस पे तो पूरा यूँ समझ ले घंटा लेट है, पूरा 1 घंटा लेट है, पूरा 1 घंटा, और 3 बंदों की टिकट थी। हाँ वो तो लिख ली, यूँ समझ लो कि पूरी मूवी लिख ली है, बट कोई नहीं जितना देखेंगे उतना तो देख ही लेंगे। देखेंगे क्या, हवाबाजी हवाबाजी देंगे हम तो, हवाबाजी देना ऐसी सीधी सी बात तो ये है, अब मूवी क्या ही देखेंगे वो तो लिखड़ गई, टिकट बुक क्या भाई तो पता है टिकट टाइम पे, तेरे को पता ना मेरे को नहीं पता ना कहाँ जाना है, घंटा भाई पूछ ले। ठीक है ठीक है, आप कुछ कहना चाहोगे? ये मूवी लेट हो गई और ये ऐड चल रही है, 20% बैटरी बची है भाई, वो भाई स्टार्ट होगी मूवी हो गई क्या? नो ये देखो मनीष आ गया, मनीष और वो सुमित लाइट बंद हो गई, वही लड़के वाली बीमारी
औरतों वाली क्यों भाभी को ये सिगरेट की 10 रुपए एडवांस बर्थडे था ना तू तो गया ही नहीं था जी है साकेत अपना मॉल सिलेक्ट सिटी मूवी खत्म होगी अपने जा रहे हैं घर घर जा रहे हैं पम्मा के दोरे पैसा पैसा बड़ा ग्यारह जी जी आए हैं इससे ये ओडी तो आए हैं फाइव इससे ही आए ना क्या नंबर है 5599 पिलर नंबर 2 कहाँ से यहाँ से थोड़े आए थे वहाँ से आए थे यार वहाँ आया हमारी बाइक तो जी मूवी देखी हमने तुम्बाड़ बढ़िया थी मूवी ओके 2 भी आएगा उसका भाई फिलहाल तो अपना कुछ दिन में मूवी देखने जाएंगे तो वो देखने जाएंगे गैंग्स ऑफ वासीपुर गैंग्स ऑफ लाल गोवा वाले जाएंगे गैंग्स ऑफ वासीपुर देखने नो एंट्री P2 पर्ची के कितने पैसे हो गए भाई एग्जिट कहाँ से लेना बाइक का एग्जिट कहाँ से लेना बाइक का पर्ची तो मेरे पास ही है खैर इसकी तेरे जी देखो ये इसकी स्लिप क्या है मतलब इसका टाइम हो गए 10:30 क्या हिसाब है इसका व्हीकल एंट्री टिकट ट्रांजिशन एंट्री भाई इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं प्लीज पे टू एग्जिट पार्किंग एट वो देख चार्ज भी ले रहे हैं इस पर क्या लिखा है पार्किंग एट ओनर रिस्क अगर सारा कुछ होता है तो हम पैसे क्यों दे रहे हैं तुम्हें इसलिए तो दे रहे हैं कि हमारी गाड़ी में कुछ ना हो सही बात पैसे भी नहीं दे रहे इसके सही बात है फिर हमने हमारी गाड़ी से मिली की बात करता ये गाड़ी जी अपनी गाड़ी इसकी एक तो चाबी इतनी महंगी है ये अपनी गाड़ी तो चलो चलते हैं बाहर और कुछ खाते हैं क्योंकि अंदर भाई पहुंचे इतनी देर में इंटरवल सब हो गया था तो कुछ लिया नहीं मतलब 5 मिनट बैठेंगे जब इंटरवल हो गए है ना भाई ऐसी हम तो पैसे पता ही कितने की टिकट मैं क्या कह रहा हूँ भाई आज तक किसी मूवी का टाइम भी नहीं पहुंचते आज तक की बात बता रहा हूँ आज तक किसी मूवी का टाइम नहीं पहुंचे और एक टिकट तो बर्बाद कर दी 3 टिकट थी 3 कोई दिक्कत ना 300 रुपये बर्बाद हो गए 900 रुपये बेकार हो गए वैसे तो सही बताएं तो चलो भाई चलते हैं बाहर और कुछ खाते हैं तो जी हम बैठे प्यार पे कहाँ बैठे प्यार पे लव टू लू हमने ऐड ऑर्डर करा दी भाई डबल एग रोल जवान भी लड़खड़ा गई भाई इतने तेज भाई ले जाए वहाँ से और सोचो ये 7 फुटा भी वाला रेस्टोरेंट कितने मेरे बर्थडे वाले दिन भी तो आए थे मैं पता नहीं भाई ओके जगह अभी इसकी भी स्नैप डाल दूँ आवाज ही बना दूँ कुनाल को चलाना है कुनाल मोटे तू बच गया 50 रुपए के चक्कर में भाई आप अगर हमारे इधर रहते तो आ सकते हैं बढ़िया सोता है यहाँ पर देख रहे हो कितनी प्यारी सीटिंग है बहुत प्यारी सीटिंग एसी भी और ये भी बस 2-3 हज़ार रुपए कम खर्चे 4-5 लाख से रुक जाओ ये बनाते हम भी पिंकी पुकी चलो दी एक बार अपना रोल आ जाए भूख लगी है बहुत तो भूख लगी है उसका टेस्ट बता दें टेस्ट कैसा है उसका रिव्यू देंगे फिर आप जब ही आना यहाँ पर शेक पिए ना शेक नहीं कोल्ड ड्रिंक मंगाते तो जी रोल आ गया ऐसे खाते हैं फ्री की चीज़ें तो कौन खाया फिर जो आएगा था तो मोहन जैसा भाई तेरी कसम अच्छा है मोहन जैसा नहीं मोहन से बहुत सही है चलो भाई एक बार मैं भी खा के रिव्यू देता हूँ भाई 7 फुटा से अंतर हो गए ये है यम फूड है यम्मी फूड है पढ़ना आता है तो यम्मी फूड यम्मी फूड है भाई और बाकी भाई यहाँ पर बिल भी मिलता है पता है तेरे को वेज एंड नॉन वेज भाई यहाँ पर बिल भी मिलता है और ये चीज़ ओके एकदम बेस्ट देख रहे हो यम्मी फूड बिल मत दिखा ना मैं भाई तो इतने का आता रोल के भैया 70,000 का थोड़ी आएगा बिल ना दिखाओ दिखा तेरे 140 गए मेरे को हाँ भाई मेरे पेटी में समझ रहा मैं किसने करे मैंने तो करे अभी पेटी करके आया मैं करे अभी तो नहीं करे तूने 1 घंटे के अंदर मेरे को अभी भाई कुछ सामान पैक करवाया वो लेने जा रहे हैं अब इसके बाद सीधा घर मिलूंगा मेरी चलती मेरे को तो भाई फाइनली घर आ चुके हैं भाई और 12-15 हो गए घर वाले फोटो डालते है ना तो ठीक है इस ब्लॉग को एंड कर देते हैं उम्मीद करता हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा लाइक कर दे कमेंट कर दे ब्लॉग को शेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे बेल आइकन प्रेस कर दे और बाकी जिंदगी जियो मज़े में लव यू ऑल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में